महाधिकारी गोपाल लिंगो जी ने सैमर पेड़ के नीचे उसी के छाया में 33 फुट बच्चों को क्रमवार बैठा कर गोत्र वंशावली गढ़ाकड़ी थाना देव बटवारा किया, यानी विभाजन किया, जो कि हमारे कोलिकचर गढ़ के रहने वाली कंकाली माता के 33 पुत्र हुए। उन्हीं 33 पुत्रों को हमारी बड़वाना के देवी माता रहता जंगो और महाधिपारी गोपाल लिंगो गुरु, जो कि पूर्व में गांव में या शहर में कहीं भी उस समय स्कूल पाठशाला नहीं थे, तो उस समय सैमर पेड़ के नीचे उसी के छाया में बैठ करके और इन सभी पुत्रों को ज्ञान मार्गदर्शन दिया एवं वहीं पर गोत्र बंटवारा भी किया। और गौड़ी धर्म के महाधिकारी कुमार लिंगो गुरु ने सैमर पेड़ के नीचे आधार पर गिन गिन करके मणातल के आधार पर गिन गिन के देव बंटवारा किया है। 1 से 7 गौणियन एवं 8 देव से 12 देवगण बैगा भूमिका गए हैं, यानी कि 1 देव से लेकर के 7 देव गौणियन समाज में एवं 8 देव से लेकर के 12 देवता बैगा भूमिकाओं के लिए वह देव गोत्र बनाया गया। और ध्यान देंगे कि 1 से 7 देवता सौ गोत्र और 8 से 12 देवता 10-10 गोत्र का निर्माण किए, कुल गोत्र 750 गोत्रधारी बनाए। 1 से 7 चिन्ह सतरंगी एवं 8 से 12 सफेद रंग दिया जो एक तरफ दिखाई देता है, यानी कि हमें चिन्ह में भी मिलता है प्रकृति शक्ति बढ़ा दे के चिन्ह, जो कि हमारे इस राजा शंकर सार रघुनाथ साहिब के भवन में देखा जाए तो आगे पीछे दोनों प्रकृति शक्ति चिन्ह बने हैं। वहीं 750 गोत्र का भी अंक अंकित किया गया है। इसी से हमें ज्ञात होता है कि हमारे इस गौड़माना समाज में हमारे कुल 750 गोत्र हैं और 1 से 100 गोत्र, यानी 100 गोत्र 1 सगा गोत्र हैं। जैसे हमारे इस क्षेत्र में कह देते हैं कि 5 गोत्र सगा होते हैं, पर 100 गोत्र सगा होते हैं, तो इस प्रकार से 700 गोत्र हुए 7 देव में, 7 देवों के सगा देव 700, और 8 से 12 तो उनमें 1 गोत्र में यानी 10-10 गोत्र, तो 50 गोत्र हुए, 5 देव होते हैं 8 से 12, तो सभी को मिलाकर के 750 गोत्र होते हैं। तो देव बड़ागढ़ी थाना वाना बसंत अलग अलग लिंगो बनाए, यानी हमारे देव गढ़ागढ़ी भी थाना वाना अलग अलग बनाए, बसंत यानी ऋतुआ वो भी अलग अलग लिंगों के द्वारा बनाया गया एवं सेव का स्वरूप गौड़ी धर्म सतरंगी ध्वजा रतार जंगो फहराए। हमारे जो देवी है रतार जंगो दाई वह सतरंगी झंडा फहराती है और हम रतार जंगो को जब चड्डी दाई जब हमारे क्षेत्र में मड़ई मेला लगता है तो वहां हम देखते हैं कि अक्सर कर हमारे देवी देवता मानने वाले चंडी दाई को ले जाते हैं, तो जब घुमाते फिराते हैं गांव में दहनारते की रूप में मांगने के लिए तो घर पांच घर, तो उसी को कहते हैं गंगोदाई, वही है रहता गंगोदाई, उसी के नाम से भिक्षा मांगे जाते हैं 5 घर 10 घर जो भी उनका नया नियम है। तो उन्हीं के द्वारा सतरंगी झंडा फहराए पहले और जो सूरज की किरण के आधार पर प्रकाशित है, अगर उगते समय सूरज को अच्छी से निकाल कर देखें तो उसमें 7 रंग दिखाई देता है। जैसे कि जब हल्का सा पानी गिरता है तो देखते हैं कि इंद्रधनुष बन जाता है जिसे कहते हैं दाभोरा, तो उसमें भी यह
यानी अच्छी से देखा तो उसमें भी सात रंग होते हैं। जिस प्रकार से हमारे सात दिन बनाए हैं वही हमारे पारंपरिक गोपाल लिंग जी बनाए हैं, ना कि हिंदुवादी कोई देवी देवता वाले सात दिन नहीं बना है ना सतरंग झंडा। और आगे हम गिनती यानी उन्नी यानी एक होता है। इस प्रकार इसमें कुल चार गोत्र वालों के लिए है, जिस प्रकार से कि उन्नी में सगा उन्नाम और रन में सगा चिराम आदि, इसमें भी सौ गोत्र और मुंद में सदा मरकाम कुसराम सोरी श्रीयु आदि सौ गोत्र सगा यानी सभी में सौ गोत्र सगा होते हैं। तो यह बड़ी भाषा है उन्नी में। पूर्व में हम सुने रहे बहुत छोटे रहे तो गिल्ली डंडा खेलते रहे, ऊद वैद रखू हो गए मुन्ना और ऊद वैद रखू, इस प्रकार से लड़के लोग जब गिल्ली डंडा खेलते रहे तो वह गिनती इसी प्रकार से गिना करते हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10 तक ले जाते हैं। उन्हीं भाषाओं का उपयोग पहले किया करते थे। और इनका जो कि मरकाम कुसराम सोरी श्री आदि ये सब धमदागढ़ के हैं, धमदागढ़ से जागे थे। इनके महान राजा प्रताप जी जो महान हुए हमारे इस गोंडवाना भूभाग में, तो धमदागढ़ में इनके महान राजा हुए और वह सभा क्षेत्र को यानी जगाया। और इनका यज्ञ प्रारवंशी है, तो कई कहते हैं कि जैसे कि यज्ञपुरार वंशी अग्नि अंश इनके जामनी रंग का ध्वजा है, यानी गोत्रधारी के हिसाब से कभी जब पूजा पाठ की जाती है तो व्यक्तिगत तो इनके जो झंडा लगता है जामनी रंग का है। और यज्ञपुरार वंशी हमारे कुल में पूर्व में चार वंशी हुए हैं कुल, और वही को सुधार के हिंदुवादी हमारे ही सियाणों के पुरखाओं के बनाए हुए नीति नियम को बदल करके और क्या लिख दिए हैं वहीं पे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण बना दिए, वंश को वर्ण बना दिए हैं। अन्यथा हमारे पूर्व में ये वंश चलते थे यज्ञवंशी पुरारवंशी नागवंशी, इस प्रकार से वंशी है उन्हीं को बता के वो वर्ण बना दिए हैं। और पांच देव सगा में परते पोरते परते ती चिचान पंडा कुसाम आदि सर्वत्र इसमें भी सम्मिलित हैं। और बेसरवाना ये चंद्रवंशी हैं, हवायंश इनके काले रंग का ध्वजा और हीरागढ़ बैरागढ़ भीड़ी के हैं, इनके महान राजा कुटिया गोत्र के जो महान हुए जो कि हीरा खान छत्री जो कि हमारे क्षेत्री प्रेम से मरावी बहुत सुंदर सुंदर गीतों के माध्यम से पठारी धुन के हिसाब धुन से गाते हैं, और वह 10 भागों में यही हीरा खान छत्री के गीतों का गायन किया है जो कि पूरा हमारे देश में गूंज रहा है। और हम उन्हीं के ज्ञान मार्ग दर्शन से बड़ी गाथा के से भी पढ़ के सुनते हैं और मानते हैं, तो हमें वास्तविक समझ में आता है कि हाँ हमारे राजा महाराजा वास्तव में रहे हैं। और अगर हीरागढ़ में जाके देखा जाए तो वास्तव में वहां खंडक के आज भी मौजूद है। लांजीगढ़ के रहवासी हमारे खेरदाई भी हैं जो कि यही लांजीगढ़ में हमारे खेरदाई कमाते हैं और उन्हीं के माता पिता लांजीगढ़ के रहने वाले हैं, वहीं पर इनका लालन पोषण हुआ पढ़ना खेलना कूदना। और जो आज इस जगत में इस गोंडवाना भूभाग में हर गांव थानों में खेरदाई के रूप में माने जाते हैं। और छदेव सगा ध्रुवा सगा ध्रुवा जगत भवेदी धुमकेती उनके कुमरे आर्मो पावले अंश राजा जगत की तीन रानियां थी, तीनों रानियों में के छह बेटे 18 भाई थे,
छह छह बेटों के कारण छह देव पूजते हैं। केसर बाना प्रमुख भूलगढ़ देवहारगढ़, इनके मुख्य गढ़ देवहारगढ़ है और चंदा इनके हरा रंग का ध्वजा है। और इसी प्रकार सात देव, तो सात देव वाले भी ध्यान देंगे कि सात देव सदा मरावी भिलावी मसराम मर्स कोले सयाम दुनियाम गोटाम पेंद्रो कुलस्ते कोलिया सरोते सेता तराम पंधरिया गुरुवेती आदि सौ सौ गोत्र है। ये नागवंशी है, कौन से वंश से हो तो हिचकना नहीं चाहिए, बोल देना चाहिए कि हम नागवंशी हैं। और हमें बोली गाथा के माध्यम से भी हुआ था पर हमें ज्ञान हुआ है, रावण भी एक नागवंशी था, वो भी मरावी गोत्र का था, पर ब्राह्मणवादी कहते हैं कि पंडित था, पर वो पंडित नहीं था, वो गौण समाज का रहने वाला था, वो भी नागवंशी था। इसी प्रकार इसमें जिस प्रकार से कुलस्ते कोलिया सरोते कुलस्ते भी इसी में आते हैं, इसमें सौ गोत्र हैं, पर पूरे नाम नहीं दिया गया है। तो नागवंशी आकाश अंश नाम बाना प्रमुख भली और यह गढ़ा मंडला गढ़ पीला रंग, इनकी झंडा का रंग है पीला, जो कि मरावी वंश जगह जगह चौरागढ़ मंडला गढ़ा कटंगा गढ़ा मंडला नामनगर आदि आदि बहुत से सारे स्थानों में सबसे ज्यादा मरावी वंश का ही राजपाट 1750 साल राजपाट किया गया है। और यही 52 गढ़ 57 परगना 5 खंड धरती 4 संभाग उम्मो गुट्टा संयुमल गुट्टा एरुम गुट्टा और एफ का गुट्टा, यानी यह 5 खंड धरती है। हमें विज्ञानी भी बताते हैं कि धरती 5 खंड है और हम पंडित गुनियों के मुख से भी सुनते हैं कि 5 खंड है धरती 4 संभाग उम्मो गुट्टा, यानी एफ का गुट्टा दक्षिणी भूभाग गोंडवाना लैंड भूया है, यानी हम दक्षिणी भूभाग में, इसी धरती का नाम है दक्षिणी भूभाग है और इसी धरती को गोंडवाना लैंड कहते हैं और यह गोंडवाना भूभाग में रहने वाला आदमी गोंडियन कहलाता है। और माँ कली कंकालिन के 33 कोट सूते इस जग में छाई हुए, 33 कोट पुत्रों का भिन्न भिन्न नाम बाना ठाना जो जगत में प्रकाशमान है, एक सिरालग हो, यानी कि अब गोत्रों के बाद देव बंटवारा किया गया पांडिपारी कुपरलिंगो और माता रहता जंगों के द्वारा, तो एक सिरालग हो और दूसरा है मराल तराल गोगो, तीसरा मुलाला गोगो सुकाल गोगो सराल गोगो, यानी फारसी भाषा में है इन देवों के नाम है, यानी पूर्व में यही 33 कोट बच्चों के नाम है और इन्हीं को जब पैरवासी हो गए तो हम देव रूप में मानने लगे। बोलिए बड़ा देव ना सेवा सेवा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिले और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके समक्ष लाता रहे, समाज को एक नई दिशा देने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। जय सेवा, जय आदिवासी, जय मूल निवासी।